समेत सिंध भर में मुकम्मल लॉकडाउन का आगाज। शहरी घरों में ही नमाज अदा करें, गाड़ियां भी सड़कों पर लाना ममनू है। मसाजिद में इज्तिमात पर पाबंदी, सिर्फ खतीब मौज़िन समेत 5 अफराद को नमाज अदा करने की इजाजत है। खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। शहर भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, जरूरी दुकानें 3:30 बजे से 6:30 बजे तक खोली जा सकेंगी। पंजाब में भी लॉकडाउन में मजीद सख्ती, नमाज जुम्मे के इज्तिमात महदूद रखने का हुक्म, 3 से 5 लोग बाजमात नमाज अदा कर सकेंगे। लाहौर में पुलिस नाकों में इजाफा, अहम शाहराहें भी बंद। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी नमाज जुम्मा के इज्तिमात पर पाबंदी, हुकूमत की शहरियों से घरों में नमाज पढ़ने की अपील। नमाज जुम्मा घर पर अदा करें, तमाम मकातिब फिक्र के उलमा इकराम का इत्तेफाक, हुकूमत और सेहत के माहिरीन की हिदायत और उलमा इकराम के 25 मार्च के एलामिया के मुताबिक नमाज जुम्मा घरों पर अदा करें। मुफ्ती मुनीबुर रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी और अल्लामा ताहिरुल कादरी का घरों पर जमात के साथ नमाज पढ़ने पर इत्तेफाक। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने कहा कि आजान और खुतबा मसाजिद से दिए जा सकते हैं, लेकिन नमाज घरों पर अदा करनी होगी। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से बचाव के सख्त तरीन इकदाम, मक्का और मदीना में 24 घंटों का कर्फ्यू नाफिज। मसाजिद में इज्तिमात पर सख्त पाबंदी, नमाज घरों में ही पढ़ने का हुक्म। तमाम दुकानें और कारोबार बंद रहेंगे, सिर्फ खाने पीने और मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। कोरोना वायरस से मुल्क भर में मुतासरीन की तादाद 2450 हो गई, अम्बात 35 हो गई। सिंध में 783, पंजाब में 920, बलूचिस्तान में 169, खैबर पख्तूनख्वा में 311, इस्लामाबाद में 68, गिलगित बल्तिस्तान में 190, जबकि आजाद जम्मू कश्मीर में 9 मुतासरीन की तादाद है। कोरोना के पहले सेहतियाब मरीज याहिया जाफरी ने प्लाज्मा अतिया कर दिया। कहते हैं, बहुत खुश हूँ, मेरा प्लाज्मा किसी की जान बचाएगा, खुश हूँ कि किसी के काम आऊंगा, हम सब मिलकर कोरोना वायरस को शिकस्त देंगे। फवाद चौधरी कहते हैं, पाकिस्तान ने कम कीमत पर कोरोना किट्स तैयार कर ली है। कहते हैं, पाकिस्तान में वेंटिलेटर तैयारी के आखिरी मराहिल में है, जल्द ही प्रोडक्शन पर लाने के काबिल हो जाएंगे। हैंड सैनिटाइजर के 23 जाली ब्रांड पर पाबंदी लगवाने के लिए वजारत सेहत को दरख्वास्त भी दे दी है। उस्मान बुज़दार का हिफाजती इकदामात पर इत्मीनान का इजहार, वजीर आला पंजाब का पाक फौज रेंजर्स और पुलिस को खराज तहसीन पेश किया। कहा, आवाम घरों में ही रहें तो कोरोना वायरस का फैलाव कम से कम होगा। कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन हीरोज केएमसी की नाअहली से परेशान, कोरोना से लड़ने के लिए दुनिया में जदीद तरीके अपनाए जा रहे हैं। कराची में केएमसी के जेर एहतमाम अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में सामान की कमी, फ्रंट लाइन सोल्जर्स बॉडी सूट की जगह शॉपर्स इस्तेमाल करने लगे, सर्जिकल दस्तानों की जगह थैलियों से बने हुए ग्लव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। मास्क तक दस्तियाब नहीं, सिविल अस्पताल के डॉक्टरों की भी बॉडी सूट और मास्क ना मिलने की शिकायत। नासिर हुसैन कहते हैं, मार्केट में सामान नहीं मिल रहा, जो कमी रह गई है इसे पूरा करेंगे। अमेरिका में एक ही दिन में 1169 हलाकतों की तस्दीक, सुपर पावर अमेरिका में हलाकतों के अंबार लग गए। मरने वालों की तादाद 6000 से तजावुज कर गई, 2.5 लाख से ज्यादा बीमार। न्यूयॉर्क में बदतरीन सूरत हाल, 2500 अंबात रिकॉर्ड, तमाम अफराद को मास्क पहनने की हिदायत। अमरीकी सदर का कोरोना टेस्ट दूसरी बार भी मनफी निकला। इमरान खान का बड़ा फैसला, तामीराती इंडस्ट्रीज आज से खोल दी जाएंगी। वजीर आजम इमरान खान खुसूसी पैकेज का ऐलान आज करेंगे, सी पैक मंसूबे पर भी काम शुरू हो जाएगा। इमरान खान कहना चाहते हैं कि गरीब के घर का चूल्हा जलना चाहिए।